तृतीय अधिवेशन का शुभारंभ सांसद अजय टम्टा और विधायक मनोज तिवारी ने किया। वहीं 2 दिवसीय इस सम्मेलन में प्रदेश भर से शिक्षकों की शिरकत की गई। अधिवेशन में शिक्षकों ने अनुसूचित जाति जनजाति के पदाधिकारियों को विभागीय नीतियों में शामिल करने की मांग की। इस दौरान शिक्षक नेताओं ने सरकारों पर SC ST के शिक्षकों की उपेक्षा का आरोप लगाया। साथ ही सांसद ने कहा, इस अधिवेशन में मुख्यमंत्री को आना था लेकिन दिल्ली जाने के कारण कार्यक्रम में नहीं आ पाए। इनकी समस्याओं के समाधान के लिए वार्ता की जाएगी। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। जैसा आपको मालूम है कि अनुसूचित जाति जनजाति के तृतीय प्रांतीय शिक्षक संगोष्ठी का अधिवेशन अल्मोड़ा में संपन्न हो रहा है। सरकार में मंत्री भी रहा हूँ, प्रदेश की सरकार में भी, तब भी मैंने बहुत काम किया है। आने वाले समय के अंदर भी समस्याएं आज अभी हमको देंगे, उसके समाधान के लिए सरकार पूर्ण तौर आगे बढ़ेगी। चूंकि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने पहले हामी भरी थी, चूंकि अचानक उनके कार्यक्रम आज दिल्ली में है और इसलिए मेरे को भी दिल्ली जाना है इस कार्यक्रम के बाद, और शाम को या कल हम साथ ही बैठने वाले हैं। जो आज यहाँ समस्याएं आएंगी उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज तक हमारी जो मुख्य समस्या है अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संगठन की, आज आप लोग देख रहे हैं ये शिक्षक पूरे उत्तराखंड से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारी एक प्रमुख मांग है कि सरकार से कि अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षकों को ब्लॉक स्तर और प्रदेश स्तर और मंडल स्तर और जनपद स्तर, जो हमारी शिक्षा से संबंधित समस्याएं होती हैं, शिक्षा के बारे में जो नीति निर्धारण किया जाते हैं,